अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई मुझे शूज़ चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली मिल जाएंगे? जी भाई मिल जाएंगे। सऊद अली खुआरा शाह भाई जान सा लाड़ शाह शूज़ वरतो क्वालिटी वाला। भाई ये मुझे पसंद है, प्राइस इसका कितना है? भाई ये आपको मिलेंगे 2000 रुपये, लास्ट 2000 रुपये मिलेंगे। राश सऊदा दा पैक का भाई पैसे रख दो, रहने दो। क्या हुआ भाई? भाई कमाल करते हो भाई, भी बोल दो तुम कैसे भी लेते हो, दे रख लो मेरी तरफ से तो। ये लो भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुनाओ कैसे हो? भाई मेरा एक छोटा बच्चा है 7 साल का, उसके लिए शूज चाहिए। जी भाई मिल जाएंगे आपको। सऊद अली खुआरा शाह जी भाई जाना सब शूज भाई। अच्छा भाई तो ये चाहिए ना आपको? हाँ भाई जान ये चाहिए। ये कितने का मिलेगा भाई जान? ये आपको मिलेंगे 1000। नहीं भाई जान, 1000 तो बहुत महंगा पड़ेगा छोटे बच्चे के लिए जाना भाई। चलो तो आप ऐसा करो क्या चाहिए? नहीं भाई जान, 800 भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो बहुत कम है। मेरे पास आप ऐसा करें ना कि ये भी ले लेते, ये मेरी तरफ से अपनी बेटे को दे दीजिए। तो उसने एक रेट बताया, फिर उसने कहा कि भाई साहब इतने में नहीं, इतने में दे दें। तो जब उसको भाई बोला गया तो उसने मुफ्त में उसको दे दिया। इसी तरह से जूते वाला किस्सा भी आपने सुन लिया। यहाँ पर क्या है मामला? मामला सिर्फ और सिर्फ हमारे लफ्जों का है, हमारे रवैयों का है। सबसे बड़ी जो अहम तजारत होती है वो हमारे लफ्ज करते हैं, हमारी जुबान करती है। क्योंकि अल्फाज का जो ढसा हुआ होता है उसके जख्म कभी भी भरते नहीं हैं, लेकिन जो अखलाक का मरा हुआ होता है वो आपके कदमों में हमेशा रहता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी जुबान मीठी करें, क्योंकि ये जुबान जो होती है आपको धूप में भी खड़ा करवा देती है और आपको छांव में भी बिठा देती है। यही जो जुबान है आपको गर्म पानी भी पिला सकती है और आपको ठंडे ठंडे मशरूबात भी फराहम कर सकती है।